नमस्कार आज हम एनसीआर कक्षा 12 के 11वें अध्याय एल्कोहल फिनॉल ईथर के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे पिछले भागों में हमने देखा एल्कोहल फिनॉल ईथर क्या हैं उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है उनकी नामकरण पद्धति तथा क्रियात्मक समूहों की संरचनाओं के बारे में दूसरे भाग में हमने एल्कोहल तथा फिनॉल की प्रिपरेशन और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा आज के भाग में हम एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसमें ओ OH बंद का विदलन जो कि एसिडिक नेचर बताता है सी ओ बॉन्ड क्लीवेज और निर्जलीकरण तथा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एल्कोहल सर्वतोमुखी यौगिक हैं ये नाभिक रागी न्यूक्लियोफाइल एवं इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रोफाइल्स दोनों के रूप में अभिक्रिया करते हैं जब एल्कोहल नाभिक के रूप में अभिक्रिया करती है तो ओ एच के मध्य आबंध टूटता है इसमें देखें आर oh में ऑक्सीजन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच का कार्य कर रही है और इस कार्बोकेटाइन पे इन पेयर के द्वारा बॉन्ड बन जाएगा इससे ऑक्सीजन पर धनावेश आ गया पॉजिटिव चार्ज फिर इस ईथर जैसी स्पीसीज में से ये एच प्लस के निकल जाने से ये ईथर बन गया तो इस तरह से यहां एल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल काम कर रही है और हमने देखा कि ओ OH एच बंद टूट रहा है जब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करती है तो सी के मध्य आबंद टूटता है प्रोटोनिक एल्कोहल इस प्रकार अभिक्रिया करती हैं इसमें देखें आर सी एच टू ये अल्कोहल है ऑक्सीजन पे क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये एच प्लस को जोड़ने में काम करते हैं और इस तरह से ये ऑक्जोनियम आयन बन गया ओ OH एच एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता लेकिन ओ एच टू बनने के बाद ये वाटर के फॉर्म में आसानी से निकल सकता है तो यहाँ इस तरह से नाबिक्स ने ही इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ओ एच टू वाटर के फॉर्म में निकल जाएंगे और यहाँ कार्बन पर लो डेंसिटी डेवलप हो गई है ना इससे ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक एल्कोहल कार्बन पे अटैक करेगा और इससे यहाँ पर OH2 के फॉर्म में ये हट गया और हमें एल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है इस तरह से हमने देखा कि एल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं तो ओ एच बॉन्ड क्लीवेज होता है और जब एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं तो सी ओ बॉन्ड क्लीवेज होता है वे अभिक्रियाएं जिनमें ओ OH एच आबंद का विदलन होता है एल्कोहलों एवं फिनोलों की अम्लता धातुओं के साथ अभिक्रियाएं एल्कोहल और फिनॉल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम पोटाशियम तथा एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्कोक्साइड फिनॉक्साइड एवं हाइड्रोजन देती हैं इन रिएक्शंस में देखो एल्कोहल का सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये सोडियम एल्कोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस लिब्रेट हो रही है ये रिएक्शन हम लैब में भी देखते हैं जब एल्कोहल को टेस्ट ट्यूब में लिया जाए और सोडियम का टुकड़ा डाला जाए तो बुदबुदाहट दिखती है जो कि हाइड्रोजन गैस के निकलने से आ रही है और ये अल्कोहल का एसिडिक नेचर भी दिखा रहा है कि यहाँ इसमें एच हटके और हमें सॉल्ट मिल गया सोडियम एल्कोक्साइड प्राप्त हो गई इसी तरह से यदि हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेते हैं और एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएं तो ये एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई ये रिएक्शंस हमें अल्कोहल के एसिडिक नेचर के बारे में बताती हैं इसी तरह से फिनॉल की रिएक्शन भी यदि सोडियम मेटल के साथ कराई जाए तो आप देखते हैं कि सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसके अतिरिक्त फिनॉल जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा सोडियम फिनॉक्साइड बनाती है जबकि ये रिएक्शन एल्कोहल नहीं दिखाते फिनॉल एक्वासेन्योज के साथ भी सोडियम फिनॉक्साइड बनाती है इससे पता लगता है कि फिनॉल अल्कोहल की तुलना में ज़्यादा एसिडिक है इसलिए वो एक्वस एन के साथ भी सॉल्ट सोडियम फिनॉक्साइड दे रही है अल्कोहल एवं फिनॉल ब्रॉन्स्टेड अम्ल हैं वे किसी प्रबल शारक बी को प्रोटॉन प्रदान कर सकती हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन होते हैं जो H है प्लस आयन बेस को दे सकें यहाँ देखें आर जो है एक एसिड का, का काम कर रहे हैं जो कि H प्लस आयन इस बेस को बेस अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा H को जोड़ के इस तरह से बी एच बॉन्ड बना लेता है तो ये बेस जो है कॉन्जुगेटेड एसिड में कन्वर्ट हो गया और एल्कोहल ने अपना एच देने के बाद संयुग्मी शार कॉन्जुगेट बेस बना लिया तो इस तरह से एल्कोहल फिनॉल ब्रॉन्स्टेड एसिड का भी कार्य करती हैं एल्कोहलों की अम्लता यह ध्रुवीय ओ एच के कारण होती है इलेक्ट्रॉन विमोचक दाता समूह मिथाइल इथाइल ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं जिससे कि ओएच आबंध की ध्रुवता कम हो जाती है इससे अम्ल सामर्थ्य कम हो जाता है इसके कारण एल्कोहलों के अम्ल सामर्थ्य का घटता क्रम प्राथमिक एल्कोहल देखेंगे सबसे अधिक अम्लीय है क्योंकि इसमें एक ही एल्किल समूह लगा है ओवचबंद जब ध्रुवी होता है उसके कारण एल्कोहल में अम्लता आती है और जितना हम एल्किल समूह लगाते जाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ेगी और ये ओएच OH बंद की ध्रुवता कम होती जाएगी ध्रुवता के कम होने से अम्लीय गुण कम हो जाता है क्योंकि यहाँ एक ही प्लस आई प्रभाव लग रहा है प्राथमिक एल्कोहल में जबकि द्वितीय एल्कोहल में दो प्लस आई प्रभाव लग रहे हैं और ध्रुवता और भी कम हो गई इसलिए इसका अम्लीय सामर्थ्य और घट गया और तृतीय कैलकोल में तीन आई प्रभाव एल्किल समूहों के द्वारा लग रहे हैं जिससे कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से ओ OH बंद की ध्रुवता और भी घट जाने से इसका अम्लीय सामर्थ्य सबसे कम होगा इसमें साधारण से रूप से देखें ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है उसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने पे वो H को निकालने में आसानी से एच प्लस को निकाल सकती है लेकिन जब उसके इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता अगर हम यहाँ से पूरा कर देंगे एल्किल समूह लगा लगा के पूरा कर देंगे तो वो ओवेच बंद के इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच पाएगी और वो बॉन्ड कम पोलर होता जाएगा जितना कम पोलर होगा उतना एसिडिक नेचर घट गया है ना तो इसलिए प्लसई प्रभाव के लगाने पर अम्ल सामर्थ्य घटता जा रहा है एल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होती हैं यहाँ देखें जब हम एल्कोक्साइड आयन और जल की अभिक्रिया कराते हैं तो कौन एच दे रहा है जल अपना एच प्लस आयन एल्कोक्साइड आयन को देखे यहाँ पे हमें एल्कोहल और ओ एच नेगेटिव प्राप्त हो रहा है इस रिएक्शन से पता लगता है कि जल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय है एल्कोहल ब्रॉन्स्टेड शार्कों की भांति भी कार्य करते हैं यह ऑक्सीजन पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगलों के कारण होता है जो इन्हें ग्राही बनाता है ब्रॉन्स्टेड शार कौन होते हैं जो एच प्लस आयन को ले सकें क्योंकि एल्कोहल पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एच प्लस को जोड़ सकते हैं इस तरह से वो ब्रॉन्स्टेड बेस का भी कार्य करते हैं अब देखते हैं फिनॉलों की अम्लता फिनॉल की धातुओं जैसे सोडियम तथा एल्यूमिनियम तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया इनकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है फिनॉल में हाइड्रॉक्सिल समूह sp2 वाले कार्बन से सीधा संयुक्त रहता है जो कि इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह के रूप में कार्य करता है इसके कारण अणु में आवेश वितरण से OH समूह की ऑक्सीजन धन हो जाती है जैसा कि इन अनुनादी संरचनाओं द्वारा चित्रित किया गया है यहाँ देखें OH समूह पे जुड़ा है बेंजीन के sp2 टू संकृत कार्बन पर जितना एस गुण अधिक होता है उतनी विद्युत ऋणता अधिक होती है तो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो डबल बॉन्ड के कॉन्जुकेशन में भी हैं यहाँ बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड के कॉन्जुकेशन में भी हैं तो ये इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व घट रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग की तरफ रेजोनेंस के द्वारा अनुनाद के द्वारा जा रहे हैं और ऑक्सीजन पर कैसा आवेश धनावेश आ गया ऑक्सीजन जब धनावेश होगा तो ओ एच बंद और अधिक पोलर हो जाएगा ध्रुवी हो जाएगा और एच आसानी से निकल पाएगा तो ये क्यों हुआ एस पी कार्बन और डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन के कारण इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन पाई और फिनॉल अधिक अम्लीय प्रकृति दिखा पाएगा फिनॉल की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया यह इंगित करती है कि फिनॉल एल्कोहलों तथा जल की अपेक्षा अधिक प्रबल अम्ल होती है क्योंकि यह अभिक्रिया एल्कोहल नहीं दिखाते एल्कोहल की एक्वसेनवेज के साथ रिएक्शन नहीं होती किसी एल्कोहल तथा फिनॉल का आयनन निम्नलिखित प्रकार से होता है यहाँ देखें ये अल्कोहल को जब हम आयनित करते हैं तो हमें एल्कोक्साइड आयन प्राप्त हो रहा है है ना और फिनॉल को जब हम आयनित करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन और एच प्लस आयन मिल रहा है है ना यहाँ एल्कॉक्साइड आयन के अंदर एल्किल समूह कैसा प्रभाव लगाता है प्लस आई प्रभाव जिससे कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी कार्बनिक रसायन में यदि कोई आयनिक स्पीशीज जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन का घनत्व किसी एक सिरे पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो उसके स्थायित्व को कम कर देता है तो इस तरह से एल्कोक्साइड आयन कम स्थायी है है ना और फिनॉक्साइड आयन कैसा होगा क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड हैं और रेजुनेंस के द्वारा ये नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पर विस्थानीकृत हो पाएगा और जितना हम चार्ज को विस्थानीकृत करें या उसकी डेंसिटी को एक सिरे पे कम करें उतना ही आयन का स्थायित्व तो बढ़ता है जब फिनॉल से बनने वाले फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व तो अधिक है तो फिनॉल आसानी से फिनॉक्साइड आयन में परिवर्तित होगी और हमें बहुत सारा एच प्लस आयन मिलेगा इसका मतलब फिनॉल का अम्ल सामर्थ्य अधिक होगा जबकि एल्कोहल में बनने वाला एल्कोक्साइड आयन कम स्थायी है तो यह आसानी से आयनित नहीं होगा और हमें कम एल्कोक्साइड और कम ही एच प्लस आयन मिलेगा इस तरह से एल्कोहल का अम्लीय सामर्थ्य कम हो गया फिनॉल में ओवेच से संयुक्त sp2 टू संकृत कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है तो वो ओवेच बंद के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अपने पास खींचेगा और एच प्लस आयन मुक्त कर पाएगा इस तरह से फिनॉल का अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा जिससे ओएच OH आबंध की ध्रुवता बढ़ती है जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नीचे sp2 संकृत कार्बन द्वारा खींचे जा रहे हों तो उससे ओएच OH बंध की ध्रुवता बढ़ जाएगी और अल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल के आयनन में वृद्धि होती है एल्कोक्साइड एवं फिनॉक्साइड आयनों के स्थायित्व एल्कोक्साइड आयनों में ऋणावेश ऑक्सीजन पर स्थानागत है जैसे हमने देखा कि एल्किल समूह ऑक्सीजन पर ऋणावेश को एक तरफ केंद्रित कर देता है जबकि फिनॉक्साइड आयनों में विस्थानित है ऋणावेश का विस्थानन इन संरचनाओं में देख रहे हैं फिनॉक्साइड आयनों को अधिक स्थायी बनाता है तथा फिनॉल के आयनन में सहायक होता है जो बनने वाला फिनॉक्साइड है यहाँ देखें उस फिनॉक्साइड आयन में ये पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिनके अंदर की नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पर डीलोकलाइज हो रहा है विस्थानीकृत हो रहा है ये नेगेटिव चार्ज ना केवल ऑक्सीजन पे है बल्कि और्थो पैरा और ऑर्थो इन स्थितियों पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इस तरह से नेगेटिव चार्ज के विस्थानन से फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व अधिक है और फिनॉल आसानी से फिनॉक्साइड और H प्लस में परिवर्तित हो पाएगा जिससे कि फिनॉल का अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाएगा यद्यपि फिनॉल में भी आवेश का विस्थानन होता है परंतु इसकी अनुनादी संरचनाओं में आवेशों का पृथकन होता है यहाँ देख रहे हैं ये फिनॉल के हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे इनमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं इनमें भी पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं क्योंकि जब लोन पेयर डबल बॉन्ड के कॉन्जुकेशन में होते हैं तो रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होने से यहाँ भी देखिए नेगेटिव चार्ज आ रहा है लेकिन इससे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया इसे हम कहते हैं आ, सेपरेशन ऑफ चार्ज चार्ज का प्रथकन आवेशों का प्रथकन हो गया और उससे स्थायित्व कम आता है जितना कि किसी एक ही तरह के चार्ज का किसी अणु पर विस्थानीकृत होने से आएगा

या इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने वाला समूह होगा तो वो ओवेच बंद को और ज़्यादा ध्रुवीय बनाएगा और अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाएगा जब ऐसे समूह ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर उपस्थित होते हैं तो यह प्रभाव अधिक प्रबल हो जाता है क्यों अधिक प्रबल होगा इसका कारण फिनॉक्साइड आयन के ऋणावेश का प्रभावी विस्थानन होता है जब हम फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप देखते हैं कि ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज पैरा पे नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है अगर उन नेगेटिव चार्ज वाले कार्बनों पे ही हम नाइट्रो ग्रुप लगा दें या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो वो नेगेटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपों पर भी विस्थानीकृत हो सकता है तो उससे विस्थानन और ज़्यादा बढ़ जाता है और स्थायित्व और बढ़ेगा विस्थानीकृत होने के कारण फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो यदि नाइट्रो प्रतिस्थापी समूह ऑर्थो और पैरा पे आता है तो स्थायित्व अधिक होगा जिससे कि ऐसे फिनॉल जिसपे नाइट्रो समूह लगा हो ऑर्थो और, और पैरा पे उसका अम्लीय सामर्थ्य भी अधिक होगा इस टेबल में आप देख रहे हैं पी के ए मान से हम अम्ल सामर्थ्य निर्धारित कर सकते हैं जितना पी के ए मान कम होता है उतना ही अम्ल सामर्थ्य अधिक होता है इस टेबल में देखें पैरा नाइट्रोफिनॉल का के का मान सबसे कम है तो ये सबसे अधिक अम्लीय है उसके बाद ऑर्थो वाला उसके बाद मेटा वाला और फिनॉल की तुलना में यहाँ हमने मैथिल समूह लगाया है ऑर्थोपे मैटापे और पैरापे यानी कि ये क्रिसल बन गए हैं मैथिल समूह कैसा होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है तो इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और ओ एच बंद की पोलैरिटी को कम करेगा और उससे अम्ल सामर्थ्य घट गया इसलिए आप देख रहे हैं ये फिनॉल से भी ज्यादा इसका पी के आ रहा है तो एसिडिक नेचर फिनॉल से भी कम हो गया है क्रिसोल्स के एसिडिक नेचर फिनॉल की तुलना में कम है क्योंकि यहाँ प्लस आई प्रभाव वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगा हुआ है जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा हो जैसे नाइट्रो उससे अम्ल सामर्थ्य बढ़ गया था 7.2, 8.3, 7.1 एट फिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय है हैं ये तो माइनस आई प्रभाव अम्ल सामर्थ्य को बढ़ाता है जबकि प्लस आई प्रभाव अम्ल सामर्थ्य को कम कर देता है या यूं कहिए इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह एसिडिक नेचर को बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन देने वाले प्रतिकर्षी समूह अम्ल सामर्थ्य को कम कर देंगे और एल्कोहल आप देख रहे हैं फिनॉलों की तुलना में एल्कोहल का पीके का मान फिफ्टीन सबसे ज़्यादा आ रहा है तो ये सबसे वीक एसिड हो गया जितना ज़्यादा पी का मान उतना ही दुर्बल अम्ल दूसरी और एल्किल समूह जैसे इलेक्ट्रॉन विमोचक दाता समूह सामान्य रूप से फिनॉक्साइड आयन के बनने में सहायक नहीं होते परिणाम स्वरूप अम्ल सामर्थ्य में कमी आ जाती है जैसे कि फिनॉल की अपेक्षा क्रिसॉल कम अम्लीय होते हैं यहाँ देखें जो कि हमने पीके मान में देखा कि मैथिल समूह लगाने पी पीके का मान बढ़ गया है अतः ये अम्ल सामर्थ्य कम हो गया है एस्ट्रीकरण ओएच OH बंद के टूटने वाली अभिक्रियाओं में एस्ट्रीकरण भी है अम्लीय प्रकृति के साथ साथ हम ओएच OH बंद के टूटने पर एस्ट्रीकरण अभिक्रिया भी पढ़ते हैं तो ये एल्कोहल तथा फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्लों अम्ल क्लोराइडों एवं अम्ल एनहाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया द्वारा एस्टर बनाती हैं इसमें रिएक्शन देखें ये एल्कोहल आर ओ एच भी हो सकता है या एराइल मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ भी ओ एच ग्रुप फिनॉल भी हो सकता है जब इसकी आर डैश सी ओ ओ एच के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से ओ एच पार्ट और ये एच पार्ट वाटर के रूप में एलिमिनेट हो गया एसिड कैटलाइज रिएक्शन है और ओ OH एच और एच हटने से वाटर हटा और ये क्या बना आर डैश सी ओ के आगे ओ आर आ जाएगा आर डैश सी ओ के यहाँ पे ओ आर आ गया ठीक है एस्टर बन गया आर डैश सी ओ ओ आर इसी तरह से यदि हम एनाइड्राइड लेते हैं उससे भी हमें वही एस्टर प्राप्त होता है और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे आर डैश सी ओ ओ एच बन गया है इसमें आर डैश सी ओ और ये ओ और यहाँ से एच एलिमिनेट होने पे आर डैश सी ओ ओ एच आ गया और हमें एस्टर जो मिल रहा है वो आर डैश सी ओ के आगे ओ आर इस तरह से देखा आर डैश सी ओ के आगे ओ आर लग गया है अगर हम एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं आर डैश सी ओ सी एल से तब भी हमें एस्टर मिल रहा है यहाँ से शुरू करें आर डैश सी ओ के आगे ये एच और ये वाला सी एल हटने से आर डैश सी ओ के आगे ओ ए आर या ओ आर आ जाएगा जो कि यहाँ दिख रहा है तो ये एच सी एल एलिमिनेट हो गया यहाँ हमने पिरीडीन क्यों लिया पिरीडीन एक बेस है और ये निकलने वाले एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा और रिएक्शन को फॉरवर्ड रखेगा तो इस तरह से हम यहाँ पिरीडीन लेते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहती है जिससे कि जो एसिड एलिमिनेट हुआ वो एब्सॉर्ब हो जाए और हमें और प्रोडक्ट अम्ल के एसिटिलन से प्राप्त होती है यहां देखें ये यह सेलिसलिक एसिड है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम अम्ल कहते हैं यहाँ हमने ये एस्टिक एनाइड्राइड लिया अभी हमने देखा कि ओ OH एच ग्रुप में यहाँ पे एच को प्रतिस्थापित कर सकते हैं सी एस थ्री सी ओ के द्वारा तो ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ एच के स्थान पे आ जाएगा और ये इस तरह से एसिटाइलेशन हो गया देखिए यहाँ से ये एच हटा तो ये क्या हुआ सी एच थ्री सी ओ ओ और ये एच तो एस्टिक एसिड के रूप में एलिमिनेट हो गया और यहाँ ओ के बाद सी ओ सी एस थ्री ये एसिटल समूह है इस तरह से ओ OH एच ग्रुप का एसटाइलेशन हुआ और ये हमें मिल गया एसिटिल जिसे एस्प्रिन कहते हैं और एस्प्रिन जो है मेडिसिन के रूप में एंटीपायरेटिक एनालजेसिक और ये ब्लड थिनर के रूप में कार्य करती है इस तरह से हमने देखा ओ OH एच बंद के विदलन से हम अम्लीय गुण को समझा सकते हैं एल्कोहल में जब ओ एच बॉन्ड क्लीव होता है तो मेटल के साथ मेटल ऑक्साइड बन रहा है फिनॉल में सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो रहा है फिनॉल जो है एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय है क्योंकि वो एक्वस एनुएएच के साथ भी रिएक्शन शो कर रही है और दूसरा एसपी टू संकृत कार्बन पे ओएच OH होने के कारण वहाँ ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ने से अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाता है और यदि फिनॉल पे आप देख रहे हैं नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो अम्ल सामर्थ्य अधिक होता है और यदि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह देने वाला समूह लगा हो तो अम्ल सामर्थ्य घट जाता है फिनॉल की तुलना में क्रिसोल कम अम्लीय है जबकि नाइट्रोफिनॉल्स अधिक अम्लीय हैं अब देखते हैं वो अभिक्रियाएँ जिनमें कार्बन ऑक्सीजन आबंध का विदलन होता है सी ओ आबंध विदलन की अभिक्रियाएँ केवल एल्कोहलों में पाई जाती है फिनॉल इस प्रकार की अभिक्रिया केवल जस्त चूर्ण के साथ प्रदर्शित करती है हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हेलाइड बनाती है इस रिएक्शन में देखें एल्कोहल की रिएक्शन जब हाइड्रोजन हेलाइड से की गई तो यहां से ये H और ये OH एच एलिमिनेट हो गया वाटर के रूप में और हमें एल्काइल हेलाइट प्राप्त हो गया है ना ये रिएक्शन में ZnCl2 टू के रूप में लेना पड़ता है यदि हम प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं और तृतीय एल्कोहल में रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है तीनों वर्ग की एल्कोहलों की एक्सीएल के प्रति अभिक्रियाशीलता के आधार पर इनमें विभेद किया जा सकता है एच के साथ यदि हम वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री प्राथमिक एल्कोहलिकोहल की अभिक्रिया कराएं तो उनकी अभिक्रियाशीलता अलग अलग होने से हम इन तीनों में विभेद कर सकते हैं परीक्षण कहलाता है ये लुकास परीक्षण एल्कोहल लुकाज अभिकर्मक क्या है ल्यूकाज अभिकर्मक सांद्र एच एवं एल एवं जेड एनसीकोहल तो इसमें विलय होता है जबकि उनके हेलाइड अमिश्रणीय होते हैं तथा विलियन में धुंधलापन आविलता उत्पन्न कर देते हैं तृतीय कैल्कोहल द्वारा धुंधलापन तत्काल उत्पन्न हो जाता है क्योंकि तृतीय कैल्कोहल की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक है तो इस तरह से उसमें धुंधलापन सबसे पहले आएगा क्योंकि वे आसानी से हैलाइड बनाते हैं जबकि प्राथमिक एल्कोहल सामान्य ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं करती तो प्राथमिक एल्कोहल का अभिक्रियाशीलता सबसे कम होने के कारण उसमें धुंधलापन सामान्य ताप पर उत्पन्न नहीं होता तो जिसमें सबसे पहले धुंधलापन आया वो तृतीय कैलकोहल उससे थोड़ी देर बाद आया वो द्वितीय कैलकोहल और जिसमें सामान्य ताप पर नहीं आ रहा वो प्राथमिक एल्कोहल है इस तरह से हम ल्यूकाज अभिक्रमक के द्वारा तीनों प्रकार के एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं फॉस्फोरस ट्राई हेलाइडो के साथ अभिक्रिया फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने पर एल्कोहल एल्किल ब्रोमाइड में परिवर्तित हो जाते हैं रिएक्शन देखें तीन मॉलिक्यूल एल्कोहल फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड के साथ हमने रिएक्शन कराई अगर एक्स की जगह है, बी आर होगा तो ये ब्रोमाइड बनेगा सी एल होगा तो क्लोराइड बन जाएगा तीन आर सी एल बन गए और ये फॉस्फोरस एसिड एच थ्री पी ओ थ्री प्राप्त हुआ इसी तरह से पी सी एल फाइव के साथ भी कार्बन ऑक्सीजन का बंद टूट रहा है और हमें आर सी एल मिल रहा है प्लस पी ओ सी एल थ्री फॉस्फोराइल क्लोराइड या फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस एच सी एल और ये रिएक्शन हम कन्वर्जेंस दिखाने के लिए रेड फॉस्फोरस और एक्स टू लिख सकते हैं और उसमें हट हटके यहाँ पे एक्स आ जाएगा तो इस तरह से ये रिएक्शंस हैं जिनके अंदर कार्बन ऑक्सीजन का बंध टूट रहा है और हमें हैलाइड मिल रहे हैं अब देखते हैं हम निर्जलन एल्कोहल के सांद्र एच टू एस ओ फोर या एच थ्री पी ओ फोर जैसे प्रोटिक अम्लों अथवा जिंक क्लोराइड एल्यूमिना जैसे उत्प्रेरकों के द्वारा निर्जलित होने पर एल्कीन प्राप्त होती है निर्जलित होना मतलब जल के एक अणु का निष्कासन है ना वाटर जब एलिमिनेट हो तो डीहाइड्रेशन कहलाता है यहां आप रिएक्शन में देख रहे हैं एक कार्बन पे पे एच है है एक पे ओ -एच ग्रुप एसिड कैटलिस्ट H2SO4 या पेटलिस्टोर एलिमिना जेड इनमें से कोई भी उत्प्रेरक लें तो एक एच और एक ओ एच जब हम दोनों कार्बनों पे से कुछ कुछ एलिमिनेट करेंगे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा आप देख रहे हैं इस तरह से एल्कीन मिल गई और ये एच टू एलिमिनेट हो गया और जल के निष्कासन को ही निर्जलन कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर इज डिहाइड्रेशन 443 फोर्टी ताप पर सांद्र एच के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलन हो जाता है इथेनॉल का डिहाइड्रेशन देख रहे हैं 443 हाई टेम्परेचर है और इस पर वाटर एलिमिनेट होकर हमें इथिन प्राप्त हो रही है एक कार्बन पे से ओ OH निकला है और एक पास वाले कार्बन पे से एच निकला है ये होता है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच तो सी एच टू ओ एच वाले में से ओ OH एच और सी एच थ्री वाले में से एच निकला तो दोनों ही सी एच टू द्वितीयक सी एच अल्कोहलों दे रहे हैं। तथा का निर्जलन अपेक्षाकृत मध्यम परिस्थितियों में किया जाता है ये देखें सेकेंडरी एल्कोहल है यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम हुआ और ये 85% H3PO4 परसेंट एच थ्री फोर पे ही रिएक्शन हो रही है और इससे यहाँ से H और एक यहां से OH एलिमिनेट पास वाले कार्बन से देखिए यहाँ से हमने एच एलिमिनेट किया सी एस थ्री में से और सी एच वाले कार्बन पे से ओ एच एलिमिनेट किया तो इन दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इस तरह से हमें प्रोपीन मिल रही है टर्शरी अल्कोहल में ये कार्बन जिसपे ओ OH एच है उसके निकटवर्ती कार्बन पे से एच निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया इस तरह से देख रहे हैं हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है है ना टू मिथाइल प्रोपीन आइसोविटाइलिन कह सकते हैं और ये और भी माइल्डर कंडीशन ट्वेंटी परसेंट एच थ्री पी ओ फोर और टेम्परेचर भी कम हो गया है तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टर्शरी एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है तो एल्कोहलों के सापेक्ष निर्जलन की सुगमता का क्रम इस प्रकार है तृतीय कैल्कोहल सबसे अधिक आसानी से सुगमता से जल का निष्कासन करके एल्कीन में परिवर्तित होते हैं उससे कम द्वितीय कैल्कोहल और सबसे कम क्रियाशीलता प्राथमिक एल्कोहल की है निर्जलन के लिए एथेनॉल के निर्जलन की क्रियाविधि क्रियाविधि में जो पहला स्टेप है वो प्रोटोनित एल्कोहल का बनना पहले हमने देखा एसिड कैटलिस्ट जब लिया जाता है क्योंकि एल्कोहल पे ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर के द्वारा इस एच प्लस को पहले ऐड कर लेगा वैसे भी ओ OH एच उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है इसलिए पहले हम एच प्लस को ऐड कर देंगे जिससे कि ओ एच टू पॉजिटिव इथाइल ऑग्जोनियम आयन बन जाएगा और ये वाटर के रूप में आसानी से हटाया जा सकता है क्योंकि हमने देखा कि एक कार्बन पे से हमें ओ एच हटाना है और एक पे से एच हटाना है तो पहला स्टेप क्या करना है कि एल्कोहल को पहले प्रोटोनेट करना है ऑक्सीजन पे लोन प्यर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये H प्लस को आसानी से ऐड करके इस तरह से ऑक्जोनियम आयन बना सकते हैं ये तीव्र पद है जहां हमें प्रोटोनित एल्कोहल प्राप्त हुआ चरण दो में कार्बोकेटाइन का बनना यह सबसे धीमा चरण है अतः यह अभिक्रिया का दर निर्धारक चरण होता है इसमें देखें यहाँ पे जो ये ओ एच टू ऋणी है ये अपना और कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके और वॉटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ कार्बन पे क्या आगा? धनावेश इस तरह से हमें कार्बोकेटाइन प्राप्त हो गया प्रोटोन के निकल जाने से एथीन का बनना और आखिरी स्टेप में आप देखें ये कार्बोकेटाइन के कार्बन के पास वाले कार्बन पे से ये कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ द्विबंध बनाएंगे और H H प्लस की तरह निकल जाएगा तो आप देख रहे हैं कि जो H प्लस पहले स्टेप में जुड़ा था वही तीसरे स्टेप में निकल गया इस तरह से प्रोटोन एक तरह से कैटलिस्ट का काम कर रहा है एसिड कैटलाइज रिएक्शन है जहाँ पर कि वाटर एलिमिनेट हो रहा है एल्कोहल के द्वारा तो चरण एक में प्रयुक्त अम्ल अभिक्रिया के चरण तीन में मुक्त हो जाता है साम्य को दाई और विस्थापित करने के लिए एथीन बनते ही निष्कासित कर ली जाती है ली चारियर प्रिंसिपल में आपने पढ़ा है अगर हम बनने वाले प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट को हटाते जाएं, तो इक्विलिब्रियम दाई तरफ रहेगा इसी तरह से यहाँ पर भी एथिलीन के बनने पर उसे हटा लिया जाता है और उसको विस्थापित करने पर और एथिन प्राप्त हो जाएगी अब देखते हैं एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्कोहलों के ऑक्सीकरण में ओ एच एवं सी एच आबंधों का विदलन होता है तथा कार्बन ऑक्सीजन द्वि आबंध बनता है इन्हें वीहाइड्रोजननन अभिक्रियाएं भी कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन कहा जाएगा हाइड्रोजन <Tonight> को हटा रहे हैं और यहाँ दो तरह के बंद कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बंद टूट रहे हैं क्योंकि इनमें एल्कोहल अणु में से हाइड्रोजन अणु की कमी हो जाती है अतः इसे वीहाइड्रोजनन भी कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया को डीहाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं यहाँ देखें इस प्रकार के अल्कोहल अगर हैं जिसमें एक कार्बन हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बंद टूट रहा है तो यहाँ द्वी बंद बन जाएगा इस तरह से हमें एल्कोहल से कार्बोनिल समूह का यौगिक प्राप्त हो रहा है एल्कोहलों में सीधे कार्बोक्सिलिक अम्लों को प्राप्त करने के लिए प्रबल ऑक्सीकरण कर्मकों जैसे अम्लीकृत पोटेशियम पर का उपयोग किया जाता है यदि हम चाहते हैं कि एल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलें तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एसिडिफाइड पोटेशियम पर लेते हैं और अगर हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड को पृथक करना है तो एल्डिहाइड को पृथक करने के लिए CRO3 थ्री का निर्जल माध्यम में उपयोग किया जाता है तो ये डिपेंड करता है हमने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया अगर हम स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो एल्कोहल का सीधा अम्ल तक परिवर्तन हो जाएगा एल्कोहल से एल्डिहाइड एल्डिहाइड से एसिड लेकिन अब चाहते हैं कि पहले ही स्टेप एल्डिहाइड पे अगर रिएक्शन रुक जाए तो उसके लिए हमें सीआरओ थ्री लेना पड़ेगा निर्जल माध्यम में जिससे कि एल्डिहाइड स्टेप तक आने के बाद रिएक्शन रुक जाए और हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाए तो ये चेन देखें जहां एल्कोहल के ऑक्सीकरण से पहले एल्डिहाइड मिला और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पी श्रेष्ठ अभिकर्मक है जो कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का पिरिडीन व एलसीएल के साथ संकुल है अगर हम चाहते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल से एलडीहाइड बनाएँ तो हमें पी सबसे बेस्ट रिएजेंट है जिसके द्वारा एल्कोहल को एलडीहाइड में परिवर्तित कर सकते हैं ये रिएक्शन देख रहे हैं जहां हमने सी थ्री से कन्वर्ट किया पीसीसी का एक उपयोग और है ये खाली इस प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है और इस डबल बॉन्ड के ऊपर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं आ रहा तो इस तरह से पीसीसी के द्वारा हम ऐसी अल्कोहल जिनके अंदर अनसेचुरेशन है उन्हें भी हम एल में कन्वर्ट कर सकते हैं द्वितीय कैल्कोहल क्रोमिक एनहाइड्राइड सी द्वारा कीटोनों में ऑक्सीकृत हो जाती हैं अगर द्वितीय कैलकोहल लिया जाए तो ये एच और ये एच एलिमिनेट होने से यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और हमें कीटोन प्राप्त होगा तो इस तरह से देखा सी आर ओ थ्री या पी सी सी के द्वारा हम प्राथमिक एल्कोहल को एल्डिहाइड में और द्वितीय कैलकोहल को कीटोन में परिवर्तित कर सकते हैं तृतीयक अल्कोहल ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं करते प्रबल अभिक्रिया परिस्थितियों जैसे प्रबल ऑक्सीकरण कर, कर्मकों के एम एवं उच्च ताप पर विभिन्न कार्बन, कार्बन कार्बन आबंधों का विदलन होता है जिससे कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है तो यदि हम तृतीय एल्कोहल को ऑक्सीकृत करते भी हैं प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा और ड्रास्टिक कंडीशन उच्च ताप पर तो वहाँ कार्बन कार्बन बंधों के टूटने से हमें जो अम्ल प्राप्त होंगे वो स्टार्टिंग एल्कोहल से कम कार्बन के एसिड प्राप्त होंगे जब प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्कोहलों के वाष्प को 573 सेवेंटी पर तप्त कॉपर के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है तो वीहाइड्रोजनन होता है तथा एल्डीहाइड अथवा कीटोन बनते हैं ये रिएक्शन आप देख रहे हैं ये प्राथमिक एल्कोहल है इसको 573 सेवनटी पर इस एल्कोहल की वेपर को कॉपर के ऊपर से गुजारा इतने हाई टेम्परेचर वाले कॉपर पे से गुजारा तो यहाँ डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है एक हाइड्रोजन कार्बन पे से और एक ओ पे से हटा इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप होगा और हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है तो ये डीहाइड्रोजनेशन है जहाँ हाइड्रोजन हट रहा है और प्राथमिक एलकोहल से हमें एल्डिहाइड मिल रहा है इसी तरह से द्वितीय एल्कोहल से कार्बन पे से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे से हाइड्रोजन एलिमिनेट होने पे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमें कीटोन प्राप्त होगा तो यदि द्वितीय एल्कोहल को 573 सेवेंटी पे हीटेड कॉपर पे से गुजारा जाए तो कीटोन मिलेगा जबकि तृतीय कैल्कोहलों का निर्जलन होता है तो प्राथमिक और द्वितीय में तो वीहाइड्रोजनन हुआ था डीहाइड्रोजनेशन हुआ लेकिन टर्शरी एल्कोहल में डीहाइड्रेशन होकर हमें एल्कीन प्राप्त होती है तो ये रिएक्शन के द्वारा भी हम प्राथमिक द्वितीय और तृतीय कैल्कोहल को विभेदित कर सकते हैं यहाँ देख रहे हैं तृतीय कैल्कोहल देखें लास्ट रिएक्शन टर्शरी एल्कोहल और कॉपर पे से जब हम 573 सेवेंटी थ्री कैलोन पे से गुजारते हैं इसे तो यहाँ से ओ OH एच और किसी भी पास वाले कार्बन पे से एच निकलेगा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से ये टू मिथाइल प्रोपीन प्राप्त हो गई तो इस तरह से हमें एल्किन प्राप्त हो रही है और ये क्या कहलाएगा डीहाइड्रेशन क्योंकि एक कार्बन पे से ओ OH एच निकला है और एक पे से एच निकला तो ये है निर्जलन जबकि ऊपर वाली दोनों अभिक्रियाएं वीहाइड्रोजनन है इस तरह से आज के भाग में हमने एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया इसमें ओ एच बंद के टूटने से एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल को समझा सकते हैं और सी ओ बंद के टूटने से हम हैलाइड इस प्रकार के उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं निर्जलन के द्वारा हम एल्कीन प्राप्त करते हैं और ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के द्वारा हमने प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन तथा

हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे औद्योगिक एल्कोहल जैसे मेथनॉल इथेनॉल के बारे में और ईथर के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तब तक के लिए नमस्कार